अप्रैल 2020 से लेकर मार्च 2022 तक 9 लाख फिशिंग अटैक्स के केस रिपोर्ट हुए ऑलमोस्ट uh, 1500 करोड़ 1500 करोड़ की राशि जो है वो उसका गमन हुआ द अ हायर परसेंटेज वो अर वनरेबल एंड दैट कम्स आउट ऑफ शेयर बिकॉज दैट दिस होल टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल इज वेरी न्यू बीच में बहुत सारे मैसेज आते थे ड्यूरिंग द फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स कि आपके टैक्स ये नहीं है आपका टैक्स फाइल नहीं हुआ आपका ये नोटिस आ गया सारे मैसेजेस जो थे वो बीइंग शोन जैसे सरकार से आ रहे पर वो सरकार से थे, थे नहीं तो उसमें बड़ा सिंपल टेक्निक था उसमें जाके आपने देखना था फ्रॉम चार पाँच महीने पहले आपने शायद न्यूज़ में पढ़ा होगा कि आ, कुछ टेलीकॉम कंपनीज हैं ऑलमोस्ट पाँच लाख सिम्स जो है उनको डीएक्टिवेट किया इस बार रावण दहन के दिन रायपुर में एक अजीब नजारा देखने को मिला यहाँ रावण के पुतले पर बोल्ड अक्षर में लिखा था मैं हूं रावण साइबर क्राइम एवरी डे थाउजेंड ऑफ कंज्यूमर फेसिंग कंपनीज आर स्पेंडिंग बिलियंस ऑफ डॉलर नॉट अफेक्ट दॉडल रेपुटेशन But how is the scene planning out here? The stakeholders in the Indian digital space, are they doing enough to create a formidable digital architecture? Cinch, a Swedish multinational, acts as the bridge between companies and consumers. We speak with Nitin Singhal, MD of Cinch India.

आई वे सेंचुरी बट मोर टूट मोर सो ओवर द लास्ट डेकेड हैज़ बीन टूवर्ड्स डिजिटल तो आप खुद ये एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं कि जो चीज़ आप पाँच साल पहले मोबाइल के थ्रू नहीं कर सकते थे आप वो सारी चीज़ आज कर पा रहे हैं mm -hmm. uh, आठ साल पहले आप गाड़ी का सोचते थे वो वह को आज की नीड ही ख़त्म हो गई है बिकॉज ऑन डिमांड आपको मिलती है तो हमारी लाइफ में डिजिटल पूरी तरह से कहते हैं ना रच गया है राइट right? uh, तो इतना इंटरटवाइन हो गया है कि यू डोंट है लाइफ बी ऑन डिजिटल टूडे तो उसमें क्या होता है कि um, उसमें फिर अपॉर्चुनिटी भी होती है और एज एज यू पुट इट कि जो बेनिफिट होते हैं उसके साथ कुछ चैलेंज चैलेंजेस भी होता है आ, तो उसमें साइबर क्राइम एंड फिशिंग एंड फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज डेफिनेटली आल्सो एक्सलरेटेड साइबर क्राइम या फिशिंग अटैक ये कि इसकी इंसेप्शन क्या है इंसेप्शन ये है कि आप इतने बिज़ी हो चुके हैं अपने काम में आज की डेट में कि आपके पास टाइम कम होता है सोचने का और आपके पास एक ऑलवेज़ ऑन सोसाइटी बनते जा रहे हैं हम तो ऑलवेज़ ऑन सोसाइटी में क्या होता है आप कुछ देखते हैं या कुछ आपके पास एक्शन आता है आप इमीजिएटली उस पर एक्शन कर देते हैं ये चीज़ें जो है वो ये जो फ्रॉडस्टर्स है वो उसका एडवांटेज लेते हैं आपकी एंगजाइटी का एडवांटेज लेते हैं आप, आप अगर बीस साल पहले आपके पास टेलीफोन नहीं होता था तो आप ज़्यादातर जब बाहर रहते थे तो आपके आपको आउटरीच करने का बड़ा और मे भी तीस साल पहले नॉट बीस साल पहले बट तो आपको आउटरीच करने की वजह से बट हमेशा ऑन है रात में दिन में सुबह में सबसे तो दैट इज़ लेट टू दिस इंक्रीज इन द क्राइम सो आई वुड से ग्लोबली इट कुड बी यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एस्टिमेट बट मेरे हिसाब से ग्लोबली बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ये चैलेंज है ई फिशिंग अटैक होते हैं एस एम फिशिंग अटैक होते हैं आज की डेट में नई नई टेक्निक टेक्नोलॉजी आ गई है जिसको बोलते हैं व्हाट्सएप गूगल आर उसमें फिशिंग अटैक होते हैं सो एवरी चैनल जिसमें आपको बेनिफिट मिल रहा है उसमें एक अटैक भी आ रहा है तो हम एज एन इंडस्ट्री एक आदमी की यार, एक कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे इको सिस्टम की uh, आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मैंने uh, कुछ रिपोर्ट uh, पढ़ी uh, जिसमें हिंदुस्तान में अप्रैल Uh, 2020 से लेकर मार्च 2022 तक 9 लाख फिशिंग अटैक्स के केस रिपोर्ट हुए ऑलमोस्ट uh, 1500 हंड्रेड करोड़ पंद्रह सौ करोड़ की राशि जो है वो उसका गमन हुआ क्यों गवन? तो आप ये मान के चलिए कि ये किसी के पास तो गई और कोई तो इसका विक्टिम बना हुँ. तो uh, uh, सरकार और uh, जो हमारे कंपनीज uh, हैं वो और जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स है वो उनके लिए बड़ी परेशानी वाली बात है बिकॉज हम हम चाहते हैं कि हम अपने कंज्यूमर्स को इंट्रैक्ट करें उनको एक फैसिलिटी दें बट जो ये फ्रॉस्टर्स होते हैं वो इम्पर्सनेशन करके कंपनीज का नाम जो है वो बदनाम करते हैं उसकी वजह से क्या होता है जो कंज्यूमर है उस कंपनी का ट्रस्ट उसके दिमाग में वो खत्म होते है सो आई थिंक दैट डेफिनेटली देर इज़ अ नीड फॉर एवरीबडी टू थिंक अबाउट इट जो है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है <laughs> एक एक और आपको मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा जिसमें सिस्को एक बहुत मानी हुई कंपनी है उन्होंने दो एक में एक रिपोर्ट निकाली जिसमें उन्होंने बोला दैट नाइन्टी परसेंट ऑफ वनरेबलिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट फिशिंग अटैक आपके पास एक ई आई आपने उसको दबाया एंड वायरस आपके पूरे नेटवर्क में घुस गया 90% ऑफ सच अटैक्स इज फ्रॉम स्टार्ट्स फ्रॉम फिशिंग Uh, मैं दो, दो जो दूसरा जो पॉइंट जो आपसे के साथ उठाना चाह रहा था क्या इस तरीके का कोई एनालिसिस uh, अभी तक हुआ है कि कंज्यूम कौन सा स्पेसिफिक कंज्यूमर क्लास ज़्यादा बोलने रहे बोलने देखिए इस पे मैं ये कहूँगा कि बिकॉज हमारे uh, देश में 1.43 बिलियन पॉपुलेशन है और 1.13 बिलियन मोबाइल फ़ोन्स हैं साढ़े मिलियन जो है 850 मिलियन टिजन ऑफ दिस कंट्री आर ऑन द इंटरनेट वी हैव ऑलमोस्ट सिक्स हंड्रेड मिलियन पीपल जो कि स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं एक्चुअली स्मार्टफोन यूज़र आठ सौ मिलियन है बट उसमें से छः सौ मिलियन यूजर्स ऐसे हैं जो कि डिफरेंट एप्लीकेशन ओ टी टी प्लेटफॉर्म जिसको बोलते हैं ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जो कि आप ये डिफरेंट एप्लीकेशन यूज़ करते हैं वो यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसको ये फिशिंग अटैक नहीं हो सकता सब सब वनरेबल है उनके लिए ये जरूरी नहीं है कि वो किसको भेज रहे हैं उनके लिए ये जरूरी है कि उन्होंने क्या भेजा और किस वजह से कितने लोग हुक हुए और कितने लोग वनरेबलिटी में फंस गए राइट उनके लिए वो इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप देखिए अनसोलिसिटेड कॉल ले रहे हैं तो उनको थोड़ा पता है आप कौन है दे ट्राई टू टेक द इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ यू राइट जब वो मैसेज भेजते हैं उनको थोड़ा पता है आप कौन है बट आपने क्लिक कर दिया तो उनके लिए एनी वे फ्राम थाउजेंड रुपीज़ टू टेन लाख रुपीज़ इज़ अ बाउंड्री राइट सो इट डज मैटर सो आई वे दैट कि हम इसको कैटेगराइज सकते हैं कि किस वर्ग के लिए ज़्यादा परेशानियाँ हम आज की डेट में हर एक जगह पर आपने देखा है कि थ्रू द फाइनेंशियल इंक्लूजन डिजिटल इनिशियेटिव लास्ट यू नो जो सेवन एट ईयर्स में हमने किया है उसमें नाउ यू हैव द कन्वीनियंस दैट आपको एक दो रुपए का भी सामान या दस रुपये का भी सामान कराया दैट यू कैन डू ट्रांजेक्ट डिजिटली सो यू नो यू आर रीचेबल डिजिटली राइट सो सो द द फ्रॉड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द क्लास इन द सोसाइटी और द काइंड ऑफ पीपल दैट इन दोसाइटी बट द वनरेबल और आई वु स वनरेबलिटी ऑफ पीपल कुड भी बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस विद डिजिटल मुझे खुद आप सोचिए कि मैसेज आता है कि आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं हुआ और आज आपकी लाइट कट जाएगी तो आप सोच रहे हैं कि अरे ये तो बड़ी परेशानी हो जाएगी मेरे घर में काम है मेरे बच्चों की एजुकेशन आई है, है तो आप वो क्लिक कर देते हैं या वो ये जाता है कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा अगर आपने के नहीं दिया तो आप कहेंगे कि अरे मेरे को तो वो पैसे भेजने हैं और मेरा अकाउंट ब्लॉक नहीं होना चाहिए और उस पर तो ये एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हैं और एक क्रिएट कर रहे एंगजाइटी What, what uh, क्योंकि बहुत ज्यादा आता है इसमें मैं आपको बताता हूँ कि उसमें हमारी रेगुलेटरी बॉडी काफी इंपॉर्टेंट है एंड इन दिस ईयर अर्ली दिस ईयर दे बेसिकली केम अप विद वेरी स्ट्रिंगजेंट रूल्स टू क्लैम डाउन इट इवन फर्दर सो उन्होंने कहा कि एक तो जो आपके एंटरप्राइज जो हम बोलते हैं जो बिजनेस है उनको वो प्रिंसिपल एंटिटी बोलते हैं

टू इन्फॉर्मेशन ऑन द मोबाइल फॉर टेकिंग सम एक्शन सो उन्होंने बोला जो प्रिंसिपल एंटिटीज हैं एंटरप्राइज हैं इनको रिवेरीफाई करा जाएगा ताकि अगर कोई ऐसी एंटिटी जिसने अपने आप को एज अ प्रिंसिपल एंटिटी वहाँ रजिस्टर कर लिया है वो कोई गलत काम ना कर सके ठीक है दैट इज़ वन सो दे आर डूइंग दो थिंग्स एंड देर ऑल्सो डन टू लार्ज एक्सटेंट देन दे सेट कि जितने इन्होंने टेम्पलेट्स दिए हैं जिसके अंदर मैसेज डिफाइन होता है कि क्या है, क्या है क्या नहीं है वो सारे टेम्पलेट्स एक बार ही रिवेलिडेट करे जाएंगे आप मानिए इसमें मिलियंस ऑफ टेम्पलेट्स हैं राइट एक कंपनी ऑलमोस्ट हजार से पांच हजार टेम्पलेट डाल सकती है कुछ लार्जर कंपनी दस हजार टेम्पलेट भी होती है टेम्पलेट का मतलब होता है कि हर टाइप का मैसेज अब रजिस्टर करना पड़ेगा राइट तो उसकी रिवेलिडेशन भी है एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर्मेट जैसे आपको मैसेज आता है कि आपका बैलेंस इतना है तो उसकी टेम्पलेट होती है उसमें जो है वो और आपको क्रेडिट कार्ड का हुआ या आपके बैंक बैलेंस हुआ या इंश्योरेंस हुआ है कुछ सभी टेम्पलेट्स हैं तो वो एक एक ओवर द लास्ट फोर फाइव ईयर वो स्टैंडर्डाइज हो गया एंड सबके बन चुके हैं टेम्पलेट तो इट्स नॉट दैट इट्स अ बिग टास्क बट येस हैव टू रिवैलीडेट राइट इट्स अ बिग टास्क फॉर द एंटरप्राइज टू डू इट अगेन देन दे सेट दैट एनी थिंग विच इज़ अनयूज अगर आपकी कोई टेम्पलेट अनयूज है वो बाई डिफॉल्ट सस्पेंड कर दो okay so what it did was that you know a lot of these templates which were just hanging around and the uh, you know fraudsters could actually use those templates which means that it will pass through the all the firewall all the Dlt crosses those got actually stopped mm -hmm. a lot mm -hmm. right so these three things right and they also had a few th other things like usman number of variables ho hai. technical uh, mamla ho jata hai, but उन्होंने बहुत ज्यादा इसको टाइट कर दिया जिसकी वजह से हमने खुद देखा कि इस तरीके के मैसेजेज में काफी गिराव है इट फेल डाउन सिग्निफिकेंटली सो दिस वॉज अ गुड वेरी वेरी गुड मूव बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटी हम शुक्रगुजार है कि उन्होंने इतना सोचा और इसके लिए कंज्यूमर्स के लिए किया और oh, तो वो काफी केसेस भी रिपोर्ट हो रहे थे इसलिए इट गुड देन द पार्ट वॉज टेलीकॉम कंपनीज ने अपनी टेक्नोलॉजी को एनहांस किया hmm. uh, उन्होंने ए आई एम एल का इस्तेमाल किया एम से उन्होंने देखा कि जो फ्रॉड टाइप के मैसेजेस है उनको हम जाने ही ना दें अगर वो बाई चांस टेम्पलेट को भी पास करते हैं या वो एक सेब नेटवर्क से भी आते हैं सो so, उससे भी एक बहुत अच्छा जो है आई वुड से रिडक्शन इन दिस फ्रॉडिंग एक्टिविटीज अदर पार्ट वाज दैट एक तो एंटरप्राइज का टेम्पलेट हो गए बट जब आप और मैं एक दूसरे के साथ मैसेज एक्सचेंज करते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम

ऑलमोस्ट पांच लाख सिम्स जो है उनको डिएक्टिवेट किया सोजस्ट्री so, तो, तो देखिये ये ना ये हमारे लाइवलीहुड है और ये जो अटैक हो रहा है ये इस लाइवलीहुड की आ, ट्रस्ट को नीव को ही बिल्कुल हिला रहा है तो इसलिए सब लोग काफी इसको सीरियसली ले रहे तो टेलीकॉम ने तो ये किया अब आती है बात जो एंटरप्राइज है तो एंटरप्राइज के लिए मैं ये बोलूंगा कि एंटरप्राइज को भी इसमें बड़ा सीरियसली अब देखना चाहिए बिकॉज अगर किसी बिजनेस का नाम जो है वो यूज़ करके कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज करता है तो उस बिजनेस के लिए ये काफी काफी हानिकारक हो सकता है क्योंकि आपका ट्रस्ट खत्म हो गया अब आप उसके मैसेज आएंगे तो आप उसको नहीं करेंगे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग परसेप्शन बनता जा रहा है कि जो जो पॉपुलेशन है मोस्ट यस yes. ये पूरी सच्चाई है इसके अंदर हमने तो आ, कुछ इस तरीके से भी सुना है वेदर इट इज़ रियलिटी और नॉट जैसे मैंने बताया कि कुछ कंपनीज जो है वो लो कॉस्ट पे कंपनीज को साइन अप कर लेते हैं प्रोफाइलिंग डेटा भी कई बार इसमें लीक हो जाता है mm -hmm. कि जैसे कोई कंपनी है उनके अंदर उन्होंने प्रोफाइल रखा कि आप कहाँ रहते हैं कितनी उम्र है क्या बैलेंस है क्या नहीं है और किस तरीके की सर्विस लेते हैं उसमें एक आपकी एज जो है वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है बिकॉज आपके जैसे क्या कह, कहते हैं ना सीनियर सिटीज़न के लिए कुछ सर्विसेज अलग होती हैं रेगुलर रेगुलरली तो ये इंफर्म कर, करा जा सकता है कि उनके लिए क्या सर्विस अवेलेबल है वो वो फिर जो है ना वो बड़ी जो है मुश्किल बात हो जाती है क्योंकि फिर जब उनको टारगेट किया जाता है तो अनफॉर्चुनेटली uh, वो इतने डिजिटली साउंड uh, नहीं होते हैं सीनियर सिटीजन या एल्डरली लोग जो है क्योंकि उनके लिए बड़ा नया एक्सपीरियंस है और वो गलती से उस लिंक को क्लिक कर देते हैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कह लीजिए या आउट ऑफ एंगजाइटी कह लीजिए एंड आई वुड से दैट इन इन माय असेसमेंट दैट इफ़ यू टू टेक स्टॉक ऑफ टोटल फ्रॉड्स द द एल्टरली विल बी अर परसेंटेज वो अर वनरेबल एंड दैट कम्स आउट ऑफ शेयर बिकॉज दैट दिस होल टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल इज वेरी न्यू टू यू मैं मैं आपको बताऊँगा कि जो है क्या के कहते हैं मेरे मेरे तो uh, म, फैमिली में ऐसा हो चुका है उसके बाद जो उनकी एंगजाइटी बढ़ती और जो मतलब वो तो टोटल तो ट्रस्ट तो 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 खत्म हो जाता है एंड टू लेकिन ये ग्लोबल ट्रेंड होगा मेरे ख्याल से ज़्यादा पर अटैक है इसमें तो आपके कई बार इस तरीके की भी सिचुएशन हुई है कि रिमोट कंट्रोल करके आपके लैपटॉप पे कुछ बता के कि ये ठीक कर रहे हैं और फिर उसके बाद आपसे अकाउंट डिटेल्स और ये सब कैप्चर करके उसमें ऐसे भी फ्रॉड हुए सो एल्डरली के ऊपर डिजिटल फ्रॉड्स डेफिनेटली एक ईजी टारगेट है तो आई थिंक वी 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 हैव टू मेक श्योर दैट दे आर एजुकेटेड एंड देर लॉट ऑफ एंटरप्राइज आर डूइंग दैट डूंगट आप उनके लिए ईजी बना रहे हैं कि आपको क्या चेक करना है जिसकी वजह से आप ये जो है ये ये ये, ये फ्रॉड आपके साथ ना हो तो उनके लिए हाईलाइट करा जाता है जैसे मैसेज आया तो मैसेज के अंदर आपको पढ़ना है कि वो हेडर जिस जिस कंपनी से मैसेज आया वो हेडर वो है या नहीं है तो उनके लिए कैंपेन चलती हैं कि ये पिक्चर देखिए तो होगा um, हम लोग भी एक टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जहाँ पे लार्ज पार्ट ऑफ दिस मैसेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी वेरीफाइड एंड टू एंड तो एंटरप्राइज से मैसेज निकलेगा और उनके मोबाइल पे जाएगा और और उनको एक वेरिफिकेशन जो है टेक किया जिस तरीके की टेक्नोलॉजी हम लोग देखेंगे कैसे बनाते वो वहाँ पर लग जाएगा तो उससे क्या होगा कि आपको ये पता है कि अगर ये बिंदी है या ये टिक है या इस तरीके का ये लोगो है तो ये मैसेज ओरिजिनल है। ओके, okay, yeah. I mean, I mean, हैं? है, yeah. uh, yeah. okay, है? uh, आपके पास uh, देखिए एक तो ये ऑप्शन है कि uh, सबसे पहले मैं आपको ऑप्शन दूंगा एंगजाइटी के साथ और कोई आपको बोलता है जल्दी करिए वो तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए आपको सोच समझ के अपना एक्शन लेना चाहिए सेकेंडली देर आर कंपनीज़ टूडे जो है मैं किसी का ब्रांड नेम नहीं लेना चाहूँगा बट आज की डेट में कंपनीज़ है जो आपको हेल्प करती है कि आपके फ़ोन में ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या है वो आपको बता देती है uh, तो स्पैम कंट्रोल उससे हो जाता है मैसेज uh, की वेरिफिकेशन उससे हो जाती है तो वो लोग जैसे वो कंपनीज़ जो हैं वो ये सर्विस सेल करती हैं टू एंटरप्राइजेज़ कि आप अगर मुझे जो है क्या कहते हैं ये सर्विस को सब्सक्रिप्शन करते हैं तो मेरे जितने 200 300 400 मिलियन यूजर्स हैं उनको मैं इंश्योर करूंगा कि जब भी आपसे मैसेज आए तो मैं उनको दिखा दूंगा कि ये मैसेज ऑरिजिनली यहाँ से आए तो इट्स अ सब्सक्रिप्शन मॉडल एक बिजनेस मॉडल शुरू हो गया आउट ऑफ सिक्योरिटी तो देट दैट इज़ वन तो यू कैन यूज़ सम ऑफ दिस टूल्स ऑन द मोबाइल फ़ोन एज एन इंडस्ट्री भी हम लोग इसको इसमें सुधार ला रहे हैं तो जितना हम लोग एफर्ट करते जाएंगे उतना आपके पास मैसेज जो इस तरह के फ्रॉडलेंट है वो कम होंगे जैसे आ, मैंने आपको एसएमएस का बताया ईमेल में भी ऐसी टेक्नोलॉजी ते, ते, और टेक्निक होती है जैसे ईमेल में ब्रांड लोगो जो है उसको आ, स्पूफ करना या उसको आ, गलत जगह से मैसेज को आना आजकल मुश्किल होता जा रहा है बिकॉज टेक्निक आ गई है आ, जिसको बिमी बोलते हैं यू नो ब्रांड इमेज आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी है ये uh, वो आप स्पूफ नहीं कर सकते कंटेंट ऑफ द ईमेल्स प्रूफ नहीं कर सकते हैं। अगर वो कोई एंटरप्राइज़ है जो कि ये टेक्नोलॉजी यूज़ करती है और बहुत इजी है ये बहुत मुश्किल नहीं है थोड़ा बहुत एफर्ट लगता है हमारी कंपनी ने काफ़ी ब्रांड्स को हेल्प किया है डूइंग दैट बेसिकली इज क्रिएटिंग द ट्रस्ट फॉर योर ब्रांड सो ये भी एक टेक्निक है तो बेसिकली uh, मैं ये बोलूँगा कि अगर कंज्यूमर्स इफ़ दे पुट लिव माइंड ऑन नॉट फिर क्यूरियसली क्लिकिंग ऑन डैट क्लिक जब आप एंगजाइटी क्रिएट करते हैं जब आप एक सेंस ऑफ वर्जन चीज़ कर देते हैं तो आपको क्लिक uh, करना ही करना होता है या आप कर ही देते हैं नाइन्टी परसेंट लोग करते हैं दस परसेंट लोग नहीं करते तो मेरा ये व्यू है कि आउट ऑफ बिकॉज आपके माध्यम से ये नॉलेज आई एम श्योर दैट बहुत सारे कंज्यूमर्स को जाएगी आई वुड से दैट बिफोर क्लिकिंग यू हैव टू थिंक और आप एक बार ये मैसेज कहाँ से आ रहा है उसको पढ़ लीजिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूंगा बीच में बहुत सारे मैसेज आ रहे थे ड्यूरिंग द फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स कि आपके टैक्स ये नहीं है आपका टैक्स फाइल नहीं हुआ आपका ये नोटिस आ गया सारे मैसेजेस जो थे वो बीइंग शोन जैसे सरकार से आ रहे हैं पर वो सरकार थे, थे नहीं तो उसमें बड़ा सिंपल टेक्निक था उसमें जाके आपने देखना था फ्रॉम जैसे आप फ्रॉम देखते हो आपको पता लग जाता है ये सरकार से नहीं आया बट लोगों या जो आपकी इमेज है वो ऑलमोस्ट उन्होंने ऐसे बना दी जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आ रहा है सो दीज आर सिंपल थिंग्स दैट यू हैव टू डू दैट यू हैव टू वेरीफाई जैसे अगर आप सोचिए कि अगर एक मैसेज आया कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होने वाला है और ये लिंक दबाइए पर आप देख रहे हैं कि वो जो मैसेज हेडर है वो कोई मोबाइल नंबर है तो कोई मोबाइल नंबर से आपके बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहा कैसे आ सकता है ये सोचने की बात है इतना सा सिर्फ आपको एफर्ट करना है यू हैव टू सी दोर्स ऑफ दैट मैसेज वेदर इट इज एन ई मेल और इट इज एस एम एस और इवन इट इज ए व्हाट्सएप जस्ट डोंट गो बाई शॉर्ट सर्किटिंग की पिक्चर देख ली तो ये सेफ है ये वहीं से आए ये कहूँगा मैं लेकिन ये जो है मतलब ठीक है आप जो, जो चेक्स एंड बैलेंसेज की बात कर रहे हैं और जो नए इनिशियटिवस है लेकिन उसके साथ ये भी धारणा है कि वो भी बड़ा इनोवेटिव है जो कि ये इन कामों में जो स्कैमर्स जिनको कहते हैं हम जी वो 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 क्लास भी है वो भी बड़ा इनोवेटिव तो, बट मैं आपको छोटे लास्ट कुछ सालों से ई मेल में आपको बताओ नाइजीरिया सेल से आती थी अब करोड़ों रुपए है और आप प्लीज नोट भारतीय तो हमने सारे ई मेल सर्विस ब्लॉक कर दिया आई पीज ब्लॉक कर दिए ब्लैकलिस्ट कर दिए तो आपकी इंस्टेंट कम हो गई काफी जी आप नया आ गया कि आप लिंक क्लिक करिए पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे बहुत सारी कंपनीज जो ऑथराइज भी नहीं थी पैसा क्लिक करने के लिए फॉरेन कंपनीज़ थी ये थी वो थी उन सब के लिंक्स चले गए और पैसा इधर से उधर हो गया और चला गया बाहर वो राइट वो भी बहुत ज़्यादा क्लैम डाउन हो रहा है अब क्या हो रहा है कि अब नई नई टेक्नोलॉजी आ जिसको बोलते हैं जेनरेटिव ए और ए आई बेस्ड जिसके अंदर कैपेबिलिटी जो है वो ऐसी है कि वो इतनी जेनुअन तरीके की इमेज वीडियो या परसोना बना देता है या टेक्स्ट बना देता है कि आपको लगता है कि वो जेनुइन है mm -hmm. हालांकि उसी के उसी के टूल्स जो कि ये चेक कर लेंगे जेनुअन नहीं है वो भी अवेलेबल है लेकिन फॉर कॉमन मैन लाइक यू एंड मी इट्स वेरी डिफिकल्ट राइट तो ये बैटल गुड और बैड का मेरे को लगता है वो पर्पैचुअल है वो हमेशा चलेगा mm -hmm. लेकिन एज अ कंज्यूमर Uh, जो इंटेलिजेंस मुझे uh, लगानी चाहिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको कन्वीनियंस के लिए कमी कम नहीं करना चाहिए ओके सो व्हाट बेसिकली यू आर सेइंग दैट देयर वुड बी फॉर चैलेंजेस गोइंग डेफिनेटली आई आई बिलीव दैट देयर विल बी फॉर चैलेंजेस बिकॉज टेक्नोलॉजी इज एडवांसिंग एट अ पेस वेयर ह्यूमन बींग्स एट लास्ट पॉपुलेशन एट लास्ट सिटीजन एट लास्ट Have not been accustomed to uh, to the the use of 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 that technology. So, while as a consumer, all of us are well entitled to make the most of it. Yes. कौ, cautious जो, जो जो, जो offerings site आप, जाते थे कोई आप चीज देखते थे अब आप सब उसके बाद आप सब site पे जा रहे हैं वही चीज दिखे जा रही है आप oh, एक आपके कंप्यूटर uh, पे छोटा सा डेटा पे रख देते थे कि आपने क्या खरीदा कौन सी साइट पे गए क्या देखा और फिर वो डेटा जो है आप जब दूसरी साइट पे जाते थे उस डेटा को बेच देते थे बोली लगा देते थे कि कोई मुझे पाँच डॉलर दे तो आप होना दिखा दो ये प्रोफाइल है कस्टमर की जो है एंड ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस uh, हो गई थी कि विद इन सेकेंड्स यू नो इट यूज़ टू दैट राइट आपको कुछ और? उस पर भी क्लैम डाउन आ रहा है क्योंकि थर्ड पार्टी डेटा विच मीन दैट आपको और मेरा डेटा अगर मैं किसी की साइट पर जाता हूं वो ककी uh, को नई अलाउ किया जाएगा एंड द डिसीजन हैज़ बीन डन बाय वेरियस प्रोवाइडर्स ऑफ टेक्नोलॉजी लाइक एपल गूगल यू नो माइक्रोसॉफ्ट दैट यू विल नो लॉन्गर बी एबल टू टेक दिस डेटा तो अब देखिए वो 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 चैलेंज खत्म होते जा यार नहीं अब नया चैलेंज आ गया तो ये चैलेंजेस आते रहेंगे

See you. Thank you. Thank you.